क्या फ्रंट इंजीनियर सिर्फ CSS लिखता है, क्या फ्रंट इंजीनियर सिर्फ कोड लिखता है, ये सारे डाउट मेरे को थे और आज मैं आपके सारे ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस को आज मैं 5 टॉपिक में बताने वाला हूँ, क्या क्या मैं करता हूँ डेली लाइफ में, क्या करता हूँ डेली वर्क में, क्या करता हूँ। आज मैं ऐसे 5 टॉपिक्स बताने वाला हूँ, आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे अगर आपको करियर में ग्रो करना है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, मैं ऐसे ही करियर ग्रोथ के लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। पहला आता है क्या फ्रंट इंजीनियर CSS लिखता है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो आपकी स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी, उसमें हमें 2 एलिमेंट को बीच से ऐसे गैप में देके ऐसे रेंडर कराना है। तो क्या आपके पता ही किसको रेंडर कैसे कराते हैं, तो कमेंट करके अभी बताइएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा और आपने कितनी देर में ये सॉल्यूशन सोचा, वो मैटर करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे दिमाग में एकदम आ गया इसका आंसर और मैं 2 लाइन का कोड लिख के उसको खत्म भी कर दूंगा। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो पे, अब आता है मेरे पास थोड़ा ई कॉमर्स यार्ड या फिर पूरी एक होम पेज ले लेते हैं ई कॉमर्स का। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, उस केस में इतने सारे एलिमेंट बनाने हैं आपको। ठीक है, आपके दिमाग में आ तो जाएगा क्या CSS लिखनी है, बट क्योंकि इतनी सारी कोडिंग लिखनी है आपको, इतनी सारी CSS लिखनी है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, आप सोचोगे यार जो डिजाइन सॉफ्टवेयर है जैसे फिग्मा हो गया, आप वहीं से कॉपी पेस्ट कर लोगे CSS को। ओके, तो 2 सिनेरियो हो चुके हमारे, एक में आपने इंस्टेंट सोच लिया कि ये हमारा आएगा, दूसरा सिनेरियो हो गया कि आपने फिग्मा का यूज कर लिया। दोनों सिनेरियो वैलिड है। ठीक है, तो पहले सिनेरियो में आपने खुद से CSS लिखी, दूसरे सिनेरियो में आपने फिग्मा से लेकर आए और कॉपी कर दिया आपने CSS को। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो है हाँ और ना भी। ठीक है, तो ये ऐसे समझिए कि आपको CSS आनी चाहिए टाइम बचाने के लिए। ठीक है, बेसिक्स आने चाहिए, जैसे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आते हैं वैसे ही आपको इसके भी बेसिक्स आने चाहिए CSS के। अब ये आपकी हेल्प कैसे करेगा, मान लेते हैं आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि 2 एलिमेंट को ऐसे दूर करना है या फिर पास करना है या फिर कुछ और करना है, तो आप इंस्टेंटली उनका काम कर दोगे। अल्टीमेटली इंजीनियर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपना कम टाइम में ज़्यादा काम डिलीवर करना है, तो यही हमारा यहाँ पे भी रोल आता है। तो अगर आप कम कोड लिखोगे, कम टाइम में लिखोगे, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर आप दूसरे सिनेरियो में फिग्मा से कॉपी पेस्ट करोगे तो उस केस में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारा कोड लिखना है और आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिल रहा है, तो कॉपी पेस्ट करके आप उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है, अब हर एक यूजर मोबाइल यूज करता है तो फ्रंट इंजीनियर की नीड क्या है, वेबसाइट की नीड क्या है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। सो देखिए, अगर मोबाइल एग्जिस्ट करता है तो लैपटॉप भी तो एग्जिस्ट करता है ना, तो कुछ तो काम होगा लैपटॉप का। अब इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। इशू ये है कि हमारे दिमाग में हमेशा खुद का रहता है, ठीक है, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं हम सिर्फ उसको देखते हैं, हम दूसरे क्या यूज़ कर रहे हैं हमें उसका पता ही नहीं है। तो आपको एग्जांपल से बताता हूँ, स्विगी यूज़ करते हैं हम, जोमेटो यूज़ करते हैं, अमेजोन यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, ये सारी मोबाइल की एप्लीकेशन है, तो हम सोचते हैं यार ब्राउज़र पर कौन ही यूज़ करता होगा, राइट। सो ऐसा नहीं होता है, इसको एक और एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं कोई कंपनी है, उनके पास एम्प्लॉइज़ है, एम्प्लॉइज़ लैपटॉप पे काम करते हैं ना, तो लैपटॉप पे क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, उस सॉफ्टवेयर को भी तो कोई बनाता होगा, तो सॉफ्टवेयर को फ्रंट इंजीनियर्स बनाते हैं। सो बेसिकली जितनी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पहले हुआ करती थी, अब उनको हमने ब्राउज़र पे ले आए हैं। ब्राउज़र बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, तो आपने हाल ही में देखा होगा कि फोटोशॉप भी ब्राउज़र पे आ चुका है। अगर आपने देखा है और आपको पता है फोटोशॉप कैसे उसको लाया है ब्राउज़र के ऊपर, तो कमेंट करके भी बताइएगा, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा। तो फोटोशॉप भी आ चुका है उसके अंदर, मेरा एग्जांपल खुद समझिए, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो यूज़ करता हूँ तो वो भी लैपटॉप पे ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को कन्वीनियंट लगता है लैपटॉप पे वो यूज़ करना। ठीक है, तो इशू यही है कि हम सोचते हैं हमारे सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं सिर्फ वही बनाते होंगे लोग, ऐसा नहीं है, बहुत सारी दुनिया में सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं, हाँ सही में, और वो सारे लैपटॉप से यूज़ किए जाते हैं, मोबाइल पे वो नहीं चलते हैं। ओके, क्योंकि कन्वीनियंट ही लैपटॉप पे रहता है, अगर आपके पास गूगल शीट आपको करना है, गूगल डॉक करना है, ऑब्वियसली आपका कन्वीनियंट इस पे रहेगा ना, आपके लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है एट द एंड, वही है। तो यही है, जितनी भी हैवी सॉफ्टवेयर अब सारे ब्राउजर पर आ रहे हैं तो उसी पे हम काम करते हैं, उसी पे हम फ्रंट इंजीनियर काम करते हैं। अब ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो बहुत लोगों को पता है, काफ़ी सारे लोगों को पता है, पर वो उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक्चुअली इस पे बाद में आते हैं, पहले करते हैं हम कोई और टॉपिक। सो क्या, उससे पहले हम परफॉर्मेंस समझते हैं, क्योंकि उस टॉपिक के लिए परफॉर्मेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आपको एक वेबसाइट दे देता हूँ जो 10 सेकंड में लोड होती है, तो क्या आप कभी वापस आओगे उस वेबसाइट पे? मान लेते हैं अगर कोई सरकारी वेबसाइट है, आपको चाहिए ही तभी आप आओगे, वरना आप नहीं आओगे। ठीक है, तो यही होता है हमारा परफॉर्मेंस। आपको कोड लिखना है, लोग कहते हैं कि हम कोड लिख लेंगे बहुत है, अब इससे आगे हमें करना ही क्या है, आपको कोड नहीं लिखना है, आपको अच्छा कोड लिखना है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी अगर वेबसाइट लोड हो रही है 2 सेकंड में, आपकी वेबसाइट हो रही है 10 सेकंड में, तो कितना ज़्यादा फर्क हो गया। आपको यूजर्स को रिटेन भी करना है, वो यूजर्स वापस आने चाहिए ना वेबसाइट पे, ऐसे ही थोड़ी एक बार आ गए उन्होंने देख लिया और खत्म हो गया, आपको वापस भी तो बुलाने हैं यूजर। तो आपको बार बार परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होती है, जिसके लिए आप ब्राउजर्स के डेव टूल्स यूज करते हो या रिएक्ट डेव टूल्स जो हो गया वो यूज करते हो। ठीक है, तो सिर्फ कोड नहीं लिखना है, अच्छा कोड लिखना है,
ये सारी चीज़ें पता होती है फ्रंट एंड इंजीनियर को, तो वो हर दिन लाइफ में यही करता है, जब भी काम लिखेगा वो देखेगा कि आप उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा और हर दिन वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ये नहीं कि अगर उसको टास्क मिला है वो हर दिन मेजर करेगा कि क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, अगर अच्छी नहीं है तो ऐसे टॉपिक्स ढूंढेगा जिससे उसको पता चले कैसे इंप्रूव कर सकता है, उन टॉपिक्स पे काम करेगा और फाइनली अच्छा कोड लिखेगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, पीआर रिव्यू करना। पीआर क्या होती है? सो बेसिकली पुल रिक्वेस्ट। अब क्या होता है, मान लेते हैं कोई कोड लिखता है, उस कोड को लिखने के बाद वो पुश करता है हमारी ब्रांचेस पे, सो हमारे जैसे भी कोई भी प्लेटफॉर्म होता है जैसे गिटलैब हो गया, गिटहब हो गया, वहाँ पे पुश करता है, तो हम रिव्यू करते हैं फ्रंट इंजीनियर्स उसके कोड को कि क्या उसमें क्या गलती हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो रिव्यू सिर्फ कोड का नहीं होता है, प्रोडक्ट लेवल रिक्वायरमेंट का भी होता है कि हमारे प्रोडक्ट को क्या चाहिए। मान लेते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का हमने एग्जाम्पल लिया था, अब उसमें हमें ऐड टू कार्ड बटन लगाना था, पर पीआर में जो उसने पुल रिक्वेस्ट रेज करी उसने ऐड टू कार्ड लगाना भूल गया, तो हम वो भी रिव्यू करते हैं क्या उसने कोड सही लिखा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से या नहीं लिखा है, और ये भी रिव्यू करते हैं कि क्या उसने ऐड टू कार्ड बटन ही बनाया है या फिर उसने कोई डिव बना दिया है। तो ये सारी चीज़ें होती है कोड रिव्यू में, ये डेली का पार्ट होता है, डेली हम करते हैं, डेली हमें कोड रिव्यू करना होता है। सो यही होता है कि आपको सिर्फ कोड नहीं, आपको कोड को रिव्यू भी करना होता है, सिर्फ कोड लिखना नहीं होता है। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो मैंने आपको पहले बोला था कि जो सबसे फेवरेट टॉपिक है, मतलब फेवरेट नहीं, जो ऐसा टॉपिक है जो हिडन है, ठीक है। तो अब करते हैं उस टॉपिक को पास। लास्ट टॉपिक आता है स्टेट मैनेजमेंट। कितना सिंपल टॉपिक है ना, पर अगर ये अच्छे से नहीं किया करते ना तो हमारा पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाता है, प्रोडक्ट काम ही नहीं करेगा। 90% आप जो कोड लिखते हो वो स्टेट से ही तो होके जाता है जो आप फ्रंट एंड का कोड लिखते हो। अब स्टेट का मतलब सिर्फ रिएक्ट स्टेट नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने कोई एप्लीकेशन सिर्फ जीएस में भी बनाई है, अब उसमें आप एक ई कॉमर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ऐड टू कार्ट है, उसमें कितने आइटम है, वो भी तो एक स्टेट हुई, राइट। आपने किसी बटन पर क्लिक किया, उसके बाद कोई एक्शन हो रहा है, उसमें भी कोई स्टेट ही अपडेट होगी ना, तो हर चीज़ स्टेट ही होती है यूआई के अंदर, और इसको सही से करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, रिडक्स का काम क्या है, अगर आपको पता है कमेंट करके बताइएगा। अब इस बात है लास्ट में, तो अभी समझते हैं स्टेट मैनेजमेंट। सो मान लेते हैं ऐड टू कार्ट का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपने किसी प्रोडक्ट पे गए, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, आपका एक आइटम अपडेट हो गया, ऊपर ऐड टू कार्ट में आपको एक दिखने लगा, आपने तो नीचे अपडेट किया था, आपने ऊपर कैसे दिखने लगा। अब इसको छोड़ते हैं, अब आप दूसरे पेज पर जाते हैं, मान लेते हैं अभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे थे, अब आप चले गए क्लोथ्स एंड अप्रेल्स पे, सो वहाँ पे आपने जाके ऐड टू कार्ट किया, अब वहाँ पे दो दिखाएगा, एक क्यों नहीं दिखा रहा है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे, आप तो अलग पेज पा चुके हो, ठीक है। इसी को कहते हैं हम स्टेट मैनेजमेंट। एप्लीकेशन में आप कहीं भी हो, आपको रीड करना आना चाहिए, आपको राइट करना आना चाहिए, बेसिकली आपको रीड कर सको, मतलब आप पता कर सको कि अभी स्टेट में क्या है, राइट कर सको, आप उस स्टेट को लिख सको सही नहीं होगा, आप उस स्टेट में कुछ ऐड कर सको या फिर उस स्टेट में कुछ अपडेट कर सको, या आप पूरी एप्लीकेशन में कहीं से भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको संभालनी होती है, यही होता है हमारा स्टेट मैनेजमेंट। रिडक्स हमारा इसी में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है कैसे, आप एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर बना सकते हो, उससे क्या होगा आप कहीं से भी उसको रीड कर सकते हो, उसको राइट कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यही होता है सबसे मेन, क्योंकि 90% हमारा स्टेट ही होता है जो हम यूआई में यूज करते हैं, तो इस अप्रोच को भी हमें सही से लिखना होता है, यही होता है स्टेट मैनेजमेंट का काम, हर दिन देखना होता है कैसे हम अच्छे से स्टेट मैनेज कर सके। सो आज हमने 5 ऐसे टॉपिक देखे जो फ्रंट इंजीनियर हर दिन करता है, और उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, सेमीकोलन। क्या आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 90% ऑफ द टाइम रिजेक्ट क्यों जाते हैं इंटरव्यू में? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनके लिए बनी नहीं है। अगर आपको जानना है क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए बनी है, तो इस वीडियो को जाके देखिएगा। इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए।